और बर्थडे पर सेलिब्रेशन तो सब करते हैं, लेकिन हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं ऐसा जिससे दूसरों के चेहरे पर स्माइल आए। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज का दिन है हमारे बर्थडे का दिन और आज का ब्लॉग यहीं से शुरू हो चुका है। और आज हम कोई भी सेलिब्रेशन करने वाले नहीं है, जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि हम कोई भी नहीं करेंगे। बाकी रात तक पता चले कि क्या क्या होने वाला है। दाल चावल बना रहे हैं इनके बर्थडे के दिन। बाकी तो फिलहाल इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाती है मम्मा हर दिन, तो आज मम्मा दाल चावल बना रही है मेरे लिए, उबले हुए चावल बना रही है। हेल्दी रहेगा मेरा बच्चा। कुछ भी नहीं कर रही है बर्थडे पर मेरे, कुछ करने ही नहीं चाह रही है। ऐसी हो रहा है, अमीर होने के बाद गरीब हो गई है बेचारी। पहले कर लेती थी इंतजाम, इस बार तो कुछ भी नहीं कर पाया मैंने। तो आज हम अपने फ्रूट और दाल चावल खाकर सो जाएंगे, खुश रहेंगे भैया। तो भाई साहब, फिलहाल मम्मा ने कड़ी लाकर रख दी है यहाँ पर और कड़ी चावल खाते हैं बर्थडे वाले दिन। ऐसे करके बनाओ अड्डे, तब जाने हम हमारी तरह। और हमारे नाना की भी आज तबीयत खराब हो गई थी, तो इस वजह से भी वैसे भी मन नहीं था बर्थडे सेलिब्रेशन करने का। और अभी भी कोई पता नहीं है, मैं तो यही कह रहा हूँ, जो भी दिन जाएगा वो मुझे कुछ नहीं पता है, आइडिया ही नहीं कि क्या होने क्या वाला है। सही बात है, बिल्कुल नहीं। सेलिब्रेशन होगा नहीं होगा, क्या होगा कुछ नहीं पता मुझे। तो भाई साहब, उबाल कर ला चुकी है चावल हमारे लिए और आज हम इसमें कड़ी भी डालेंगे, दलीम भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। और ये निकल कर आ चुके हैं चावल अपने गर्मा गर्म भपकते हुए एकदम, कड़ी भी एकदम गर्म गर्म है तो जल्दी से खा लेते हैं। पानी भी एकदम गर्म गर्म है, कुछ ठंडा है ही नहीं। दुबे में मम्मा खो तक जा रही है, देख रहे हो कोहरा है। तो गाइस, अभी हम फिलहाल आए हैं नाना के घर पर सेलिब्रेशन। तो अब क्या है कि बच्चे लोग बोल रहे हैं कि हमको कुछ लाकर दे दो, पेस्ट्री केक कुछ भी। तो फिर अभी मैं अभी जा रहा हूँ लेने के लिए। पंगा क्यों जला दिया, ठंड में क्या अकड़ाओगे क्या? तो अभी जाऊंगा और लेकर आऊंगा, फिर इनको सेलिब्रेशन दे देते हैं। कोई नहीं जा रहा है, मैं अकेला जा रहा हूँ, मैं अकेला जा रहा हूँ, ठीक है, लेकर आता हूँ मैं। बड़ा वाला तो इतना ले रहे हैं, पेस्ट्री ले रहे हैं सिर्फ। हाँ मेरे को लानी कटोरी, डिसीजन ले लिया पहले। देखो देखो चाटना शुरू हो गया। छी 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 छी, कौन सी चाटा है? नहीं क्या था, बूंद चाटी है। तो ठीक है गाइस, अब जो व्लॉग शूट हो रहा है वो हो रहा है दूसरे दिन, और कल व्लॉग नहीं आया था और बीच में ही व्लॉग हमको अधूरा छोड़ना पड़ा था, क्योंकि हमारे जो नाना थे ना, जो उमरा करने गए थे, हमने व्लॉग बनाया था तो उन्हीं नाना की मतलब डेथ हो गई थी। वो आए थे वापस उमरा करके कल ही सुबह को, और रात तक उनका इंतकाल हो गया, तबीयत खराब हो गई थी उनकी, तो इस वजह से हमने आगे का व्लॉग ही नहीं बना पाया और इस वजह से वो आया नहीं था। तो फिर इस यही बातें मतलब हो गई। और बाकी हमने कल का सेलिब्रेशन तो हम आपको बताइए, हम करना नहीं चाह रहे थे, किया ही नहीं था। और लेकिन हमने एक स्पेशल चीज़ की थी जो कि आपको आगे दिखा रहा हूँ। मैं अगर सितारों से चुरा के लाऊं रोशनी, हवाओं से चुरा के लाऊं रागनी, न पूरी हो सकेगी उनसे मगर तेरी कमी। मैं अगर नजारों से चुरा के लाऊं रंगते, मजारों से चुरा के लाऊं बरकते, न पूरी हो सकेगी उनसे मगर तेरी कमी। ये दुनिया पराई है, बस एक अपना है तू, जो सच हो मेरा वो सवेरे का सपना है तू। देखूंगा तेरा
गाइस, तो अब पढ़ देते हैं आप लोगों के कमेंट। कमेंट आप लोगों ने काफी सारे किए थे इस पर। तो सबसे पहला कमेंट है इमरान सैफी का, कह रहे हैं सही बताया तुम्हारे यही आया करेंगे, कश्मीर जाकर खर्चा क्या करना। सही तो ठीक है बिल्कुल। फिर अगला कमेंट है आकिब का, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हैप्पी बर्थडे, बहुत जो कि आकिब यहाँ पर आ भी चुके हैं वो भी हम इनको लेने जा रहे थे अलीगढ़, फिर वहीं से हम कहीं मतलब ऐसे घूमते घामते थोड़ा बहुत, तो क्या हुआ कि वही डेट के चक्कर में ये अचानक आ गए, तो सारी प्लानिंग जो थी भी ऐसी हुई है। जिस रोज वो गए थे, जिस दिन गए थे जुमरात को, वो दिन जुमरात का था, जुमरात को ही आए और सुबह में आए, शाम को इंतकाल हो गया उनका। उनका इतना ही टाइम मतलब लिखा हुआ था उनकी किस्मत में था उमरा करना। जिस रोज मदीना उतरे उसी रोज समझ लो उनका दफन हुआ। हाँ, जुमे वाले दिन, आज जुमा है ना। फिर अगला कमेंट है अर्श शेख का, हैप्पी बर्थडे, अल्लाह आपको दुनिया की सारी खुशी दे। तो शुक्रिया आपका, शुक्रिया। पुरुष शेख ब्लॉग का भी कमेंट है हैप्पीएस्ट बर्थडे ब्रो, ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो शुक्रिया, तो शुक्रिया आपका। अरकान खान का कमेंट है अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, वालेकुम अस्सलाम। फिर अगला कमेंट है हुसैफ खान का, हैप्पी बर्थडे आरिफ भाई, शुक्रिया, शुक्रिया आपका। फेरी नाज का कमेंट फ्रॉम पीहू, हैप्पी बर्थडे मेरे स्टार एसआर के भाई, अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह गिव यू ऑल हैप्पीनेस, यू मे लिव लॉन्ग, वी ब्लेसिंग यू विल बी मेक अ बिग स्टार, अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। तो शुक्रिया, तो आपने बड़ा लंबा कमेंट किया, इतना बड़ा कमेंट करने की उंगलियां तो नहीं थक गई। फिर अगला कमेंट है मंतशा का, हैप्पी बर्थडे लविश, मे अल्लाह ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। तो शुक्रिया, शुक्रिया आपका। फिर अगला कमेंट एक और मंतशा का, हैप्पी बर्थडे लविश, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे अम्मी की तरफ से। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। दिल्ली वाली का कमेंट है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? तो ठीक हैं, ठीक हैं, बस खालू का इंतकाल हो गया, हसन मोहम्मद खालू का, तो इसलिए थोड़े से उदास, शायद आपको मालूम हो गया होगा। कह रही है और सर्दी बहुत हो रही है गांव में। हाँ, तो काफी तगड़ी वाली सर्दी चल रही है अभी। गुलफशा जावेद का कमेंट है हैप्पी बर्थडे, तो शुक्रिया, शुक्रिया आपका। जैदू का कमेंट है आरडीएक्स जैदू, हैप्पी बर्थडे ब्रो, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, शुक्रिया, तो शुक्रिया आपका। जीशान रजा कादरी का कमेंट है योम पैदाइश मुबारक हो आरिश भाई, तो शुक्रिया, शुक्रिया आपका। मुजीबुल इस्लाम का कमेंट है हैप्पी बर्थडे डियर लविश, तो शुक्रिया आपका भी। साबिर अंसारी का कमेंट है विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आरिस भाई, शुक्रिया, शुक्रिया। पाकिस्तानी गर्ल का कमेंट है हैप्पी बर्थडे आरिस द स्टार, अल्लाह ब्लेस यू, योर ऑल विशेस कम ट्रू, शुक्रिया, तो शुक्रिया आपका। मुदस्सिर खान का कमेंट है अलीगढ़ से हमारे फूफा जी का, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी बर्थडे, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, शुक्रिया, आमीन, आमीन आपका। और अगला कमेंट है आफताब खान का, हैप्पी बर्थडे आरिस भाई, शुक्रिया, शुक्रिया आपका। राहत मियां का कमेंट है आरिस भाई विश यू हैप्पी बर्थडे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन, शुक्रिया। फिर नेक्स्ट कमेंट है सुनैब खान का, अस्सलाम वालेकुम आरिस भाई, वालेकुम अस्सलाम, कीप इट अप, व्लॉग मत छोड़ना, ये तो शुरुआत है बट मैं जानता हूँ 4-5 साल से लगे हो, बस अल्लाह पर यकीन रखो और माँ बाप से प्यार करते रहना, आमीन, आमीन, शुक्रिया। बिल्कुल कंटिन्यू मेहनत करते हैं, यस, और करवाते हैं इनसे। फिर नेक्स्ट कमेंट है अरसलान का, कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे ब्रो, शुक्रिया, शुक्रिया आपका, बहुत बड़ा शुक्रिया। मोहम्मद जावेद का पाकिस्तान से कमेंट है अस्सलाम वालेकुम दोस्त, वालेकुम, जुम्मा मुबारक हो, और आपको आपकी फैमिली का क्या हुआ, कल व्लॉग क्यों नहीं आया दोस्त, यानी कि आज किया है उन्होंने व्लॉग, नहीं आया जी, तो ये इसीलिए नहीं आया जो मैंने बता दिया है ना जी जी। फिर साबिर अंसारी का कमेंट है भाई आज फ्राइडे का व्लॉग अभी तक क्यों नहीं आया, आई एम वेटिंग, अब आ गया, बिल्कुल इसी वजह से नहीं आया था। तो देखिए गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, और ये सारी विशेज आई, फिर मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत सारी विशेज आई जो सबका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, जो जो आई हैं यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। जितनी मतलब मैं देख पाया उतनी मैंने स्टोरी लगा दी थी, बाकी बहुत विशेज आई थी, बहुत अच्छा लगा, और सेलिब्रेशन करने से अच्छा हमने वो चीज कर दी जो कि आई होप कि आपको अच्छी लगी, मन भी नहीं कर रहा था हमारा और मन भी नहीं कर रहा था करने का, बाकी ठीक है। आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और आप सबका शुक्रिया इतने सारे वो विशेज करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल। बाकी आज के ब्लॉग कहीं पर एंड कर देते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, लाइक करें, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय।